हे हेलो फ्रेंड्स, तो आ गया मैं एक और न्यू वीडियो के साथ। यह रैंक पुशिंग के एपिसोड नंबर 3 होने वाला है सीज़न 23 का। और अभी मैंने हीरोइक में अपना 1 स्टार लगा चुका हूँ और इससे आगे अभी मैं और भी पुश करने वाला हूँ 5 स्टार तक। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला मैच। इसमें मेरे किल हो गए थे 2 और मेरे को छोड़कर अभी 3 बंदे और बच रहे थे। मेरे पास एक स्कैनर पड़ा था तो मैंने स्कैनर जो है वो लगा दिया, तो सामने मेरे को जस्ट सामने में एक बंदा दिख गया जिसको मैंने बहुत ज़्यादा एके से डैमेज कर दिया था। लेकिन मेरा पिंग जो है हाई चला गया था, ग्लू वॉल भी मेरा सही से नहीं लग रहा था। यहाँ पर भी उसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो मैंने रश करके उसको किल करने का ट्राई किया, लेकिन मेरा पिंग भी हाई था बहुत ज़्यादा, इसलिए वो बंदा मरा ही नहीं। अब इस टाइम पे मेरा पूरा पूरा रेड हो गया था, 999 हो गया था। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर वेट करने वाला था अपने पिंग का सही होने का। इस मैच में मेरा बहुत ज़्यादा पिंग जो हाई जा रहा था और मेरा उसके चलते में मेरा फोकस जो है वो गेम से हट गया था पूरा पूरा, क्योंकि पिंग हाई जा रहा है तो फिर फालतू में मर जाते हैं यार। पिंग अच्छा नहीं चलता तो मज़ा नहीं आता, खेलने का कोई मूड ही नहीं जमता। तो यहाँ पर वो बंदा यहाँ पर मेरे को दिखा इस रूम में, तो यहाँ पर मैं नेड करूँगा सोच रहा था, तो मेरा फोकस जो है गेम से हट गया था, वो उधर से चला गया, तो मैं नेट जो है उधर ही कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा कुक हो गया था। यहाँ पर देखना, एक नेट करता हूँ, एकदम एकदम घटिया नेट करता हूँ, ऐसा मैं कभी करता नहीं हूँ। लेकिन वो मेरा फोकस जो है गेम से हट चुका था क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा पिंग हाई जा रहा था, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। अब यहाँ पर वो बंदा जो है इधर आ जाता है, तो एम टेन निकाल के यहाँ पर भी मैंने उसको डैमेज किया थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्या अराउंड 100 से ऊपर का भी डैमेज हो गया होगा। और यहाँ पर भी उसको मैंने एके से बहुत ज़्यादा डैमेज किया, लेकिन मेरा पिंग जो है पूरा पूरा रेड हो गया था फिर से, तो यहाँ पर भी उसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया। अब मेरे को लग रहा था कि मैं मर चुका हूँ करके, क्योंकि ऐसी बार ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि मैं खेल रहा होता हूँ गेम में, लेकिन मैं अचानक कहीं पर जाकर मर जाता हूँ, मतलब बंदे जो है वो मेरे को मार दिए रहते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, कई बार हो चुका है मेरे साथ। लेकिन जहाँ जैसे ही मेरा पिंग सही हुआ तो मेरे को तसल्ली हो गया कि अभी भी मैं ज़िंदा हूँ करके। अब यहाँ पर मैं एक नेड करता हूँ, वो बंदा वहीं पर था, वो देख सकते हो आप लोग, लेकिन उसको एक भी डैमेज नहीं गया यार। वो बंदा उधर चला गया था शायद तक, तो उसको वहाँ से भी पड़ रहा था, और मैंने फिर रश करके इसको उड़ा ही दिया M10 से। अब एक लास्ट बंदा और बच रहा था जो उधर सामने में था। अब इस टाइम पे भी मेरा पिंग जो है हाई चला जाता है, देखना अभी तो थोड़ा ठीक था, लेकिन इधर लगाता हूँ ग्लू तो लगता नहीं है, और मेरा पिंग जो है फिर से हाई चला गया था। अब इस टाइम पे मेरा फोकस जो है मतलब एकदम ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था मेरा गेम से, मतलब मन ही उठ गया था अभी इस मैच से, क्योंकि स्टार्टिंग से देख रहा था मेरा पिंग बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था। इस मैच को मैं जैसे तैसे ख़त्म करके गेम को बंद करने वाला था, क्योंकि पिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा था मेरा, और इसके चलते में ग्लू व्लू लग नहीं रहा था यार, क्या करें। इधर मेरा पिंग तो हाई जा रहा था, मैं रश करूँगा सोच रहा था, 100 से ऊपर चला गया था मेरा, तो मैंने थोड़ा हील कर लिया, और जब 100 से नीचे आया तो उसको रश करके उड़ा दिया। उस टाइम पे भी मैं रश कर सकता था, लेकिन उस टाइम पे मेरा पिंग हाई जा रहा था तो शायद मरता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया पिंग का सही होने का। और इसमें मेरे को 4 किल के साथ बुइया मिल चुका था। और ये फर्स्ट मैच था मेरे दिन का, ये पहला ही मैच मेरा बहुत ज़्यादा पिंग हाई जा रहा था, और इसमें मेरे को देखो 58+ मिले डेली मिशन करके, और 4 किल के साथ मेरे को बुइया मिल चुका था इसमें। अगर बात करें इस मैच की, तो इसमें मेरे किल थे 1 और मेरे को छोड़कर अभी 2 बंदे ही और बच रहे थे। एक तो सामने वाले घर में ही था जो दिख रहा था मेरे को, तो मैंने नेट एक ट्राई किया, लेकिन थोड़ा वो इधर ही गिर गया, और उतने में एक और नेट ट्राई किया, लेकिन वो बंदा जो है उधर से चला जाया रहता है, मतलब जोन की ओर बढ़ जाता है, तो मैं भी जोन की ओर फिर बढ़ना ही स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जोन चल रहा था काटता बहुत ज़्यादा डैमेज करता फिर अगर जोन में फंसता। तो यहाँ पर वो बंदा L-शेप के नीचे में था, तो इसको मैंने AK से उड़ा दिया। अब एक बंदा लास्ट बंदा और बच रहा था, उसकी लोकेशन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन अब उसको मैं ढूंढ कर मारने वाला था, और यहाँ पर फिर मैं आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इधर मैं सेंटर में जाने वाला था, लेकिन मैं इधर L-शेप की ओर को भी देख रहा था कि इधर ना हो करके, लेकिन वो बंदा जो है वो इधर पीछे से देखना मेरे को मारता है, वो उधर से ही आता है, वो कहाँ छुपा था पता नहीं, तो उसने मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। तो मैंने एक मेडिकिट लगाया और वो बंदा जो है इधर रस करने आ जाता है, तो यहाँ पर उसको एक लग जाता है हेड M40 का, तो फिर मैं रस करके उसको उड़ाने वाला था इस टाइम पे, तो
तो यहाँ से वो गायब हो चुका था, लेकिन फिर से उसने मेरे को डैमेज कर दिया और यहाँ पर उसको फिर से मैंने MP40 निकाल के उड़ा दिया हेडशॉट के साथ। और इसमें मेरे को 3 किल के साथ बुइया मिल चुका था और इसमें मेरे को 17+ मिले, 34+ मिले यार, 17 बेटल स्कोर और 17 सर्वाइविंग स्कोर करके 34+ मिले। और अगर बात करें इस मैच की तो इसमें मेरे किल हो गए थे 4 और मेरे को छोड़कर अभी 9 बंदे और बच रहे थे। एक तो राइट साइड में नीचे की ओर एक बंदा था जिसको मैं देख रहा था, लेकिन वो बंदा जो है खंभे के पास होगा मेरे को लग रहा था, यहाँ पास टावर के पास जिसको मोबाइल टावर बोलते हैं वहाँ पास होगा देख सोच रहा था, लेकिन वो बंदा आगे चला जा रहा था ग्लू वॉल लगा के। तो यहाँ पर मैं नेड करूँगा सोच के थोड़ा आगे गया, लेकिन यहाँ से मैं ट्राई सोच रहा था लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर था नहीं जाता नहर, तो थोड़ा और नज़दीक आ गया मैं नेड करने के लिए। तो यहाँ पर एक नेड जो है कुक करके उसके ग्लू वॉल के बीच में मारा तो उसको एक 110 का डैमेज लग गया था। और फिर मैं रस तो इस टाइम पे कर सकता था लेकिन मेरे पास नेड था तो मैं नेड से ही उस बंदे को उड़ा सकता था, इसलिए रस नहीं किया। तो फिर इसको नेड से ही मैंने उड़ा दिया। अब यहाँ पर देखना एक बंदा उधर टावर में रहता है मेरे को पता नहीं रहता, तो यहाँ मेरे पास ARMO नहीं था तो मैं लूटने जा रहा था, लेकिन वो बंदा ड्रैगन ऑफ से शायद ड्रैगन ऑफ था तो साइलेंसर लगा के फायर कर रहा था। तो यहाँ पर मेरे को डाउट हुआ कि वो बंदा टावर में है करके, तो मैंने थोड़ा उसको एम दिया मतलब खड़ा होकर एक जगह, फिर वो मेरे पे फायर किया तो मैंने उसको उड़ा दिया। M249 बहुत ख़तरनाक गन है, मतलब मैं ये मिलता है तो मैं कभी नहीं छोड़ता M249 को, अगर मेरे को मिलता है तो। सोलो में बहुत चलाता हूँ मैं M249 अगर मिलता है तो। ये तो मेरे पास अभी एक दो दिन के लिए और बचा स्किन ये और एक VSS का, वो मैंने अराउंड 500-600 डायमंड क्रिएट लिया था दोनों का, मतलब VSS निकालने के लिए परमानेंट, लेकिन निकला नहीं, वो 72 या 75 या 80 दिनों के लिए निकल गया था और ये भी 60-70 दिनों के लिए निकल गया था M249। अभी M249 तो अभी मतलब ख़त्म होने ही वाला है, लेकिन मेरे को परमानेंट मिला नहीं था, लेकिन VSS मेरे को चाहिए था यार परमानेंट, वो डबल रेट ऑफ फायर वाला, वो अभी मेरे को नहीं मिला। लेकिन वो भी अभी बचा है कुछ दिन, चलाऊंगा फिर उसके बाद नहीं लूँगा इस बार, क्रिएट रेट निकलता नहीं है। अब मेरा 6 किल तो हो गया था और मेरे को छोड़कर अभी 3 बंदे और बच रहे थे। एक बंदा जो है फ्रेक फैक्ट्री में एक बंदा ने ड्रॉप मंगाया था और एक बंदा मेरे को सामने दिख गया, तो मैंने उसको थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था, तो मैंने उसका ग्लू वॉल तोड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि M249 जो है वो बहुत जल्दी ग्लू वॉल तोड़ देता है। यहाँ पास मैं 2 स्कोप लगा कर खेलता हूँ इसलिए थोड़ा लॉन्ग रेंज हो गया है 2 स्कोप के लिए, तो जल्दी ग्लू वॉल जो है फट नहीं रहा है। तो यहाँ पर उसने मेरे को VSS से बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, तो मैंने ग्लू वॉल लगा के फिर 2 मेडिकिट लगाया और इस टाइम पे वो बंदा उधर ही था, तो मैं ग्लू वॉल लगा के आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जोन भी आ रहा था, मैं जोन में था नहीं, मेरे को जोन में भी जाना ज़रूरी था, तो मैं फिर जोन में आया इधर और वो बंदा उधर ही था। इधर की ओर मैं देखा राइट साइड में कोई बंदा ना हो करके, तो इधर नहीं था, वो बंदा उधर ही खड़ा था, क्या कर रहा था मेरे को नहीं पता, शायद लूट रूट रहा था। तो इसको मैंने M249 से उड़ा दिया हेडशॉट के साथ। अब 2 बंदे और बच रहे थे जो फैक्ट्री के नीचे की ओर थे, इधर तो था नहीं तो नीचे की ओर होंगे ना, तो वो बंदा एक बंदा मेरे को फायर करता है तो वो मेरे को दिख नहीं रहा था इस टाइम पर, तो मैंने ग्लू वॉल लगा के थोड़ा और आगे गया तो वो बंदा मेरे को दिख गया। इसके पास था क्रिमिनल बंडल ग्रीन वाला और 2 बंदे बच रहे ना, दोनों के पास ग्रीन क्रिमिनल था, सामने में दोनों थे, इधर एक बंदा इधर था और एक बंदे इसके पीछे में था, जो मेरे को तो पता नहीं था, मैं वॉइस वार कर रहा हूँ तो अभी जान चुका हूँ क्योंकि मैं वीडियो पहले बना लेता हूँ और वॉइस बाद में देता हूँ। तो इसको मैंने एक नेड किया तो वो बंदा जो है इधर भी ग्लू वॉल लगा लिया, तो वो बच गया, ग्लू वॉल लगाता नहीं तो फिर वो शायद तक नेड से ख़त्म हो जाया रहता। एक और नेड ट्राई किया लेकिन वो बिना कुक के इधर ही छूट गया मेरे से गलती से। अब एक बंदा इधर था और एक बंदा उधर था, तो यहाँ पर भी वो बंदा नीचे चला गया था शायद तक, इसलिए उसको डैमेज नहीं गया। एक और नेड मैं ट्राई किया लेकिन वो नीचे चला गया था और दोनों आपस में फाइट करने लगे थे, रेड डॉट आ रहा था वहाँ पर, लेकिन मैंने वेट किया एक बंदा इसको मैंने बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था इस क्रिमिनल को, फिर भी मैंने रश नहीं किया क्योंकि मैं हाइट के एडवांटेज में था और मैं उधर जाता तो शायद वो भी हाइट में आ जाता तो मेरे को डिसएडवांटेज मिल जाता, इसलिए मैं वेट किया, होल्ड किया। ऐसा करना पड़ता है यार बुइया लेने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा होल्ड करना पड़ता है सोलो में। तो फिर यहाँ पर मैंने उसका वेट कर रहा था यहाँ पर,
तो वो बंदा जो है नेड एक कुक करके मेरे को मार देता है, तो मेरे को डैमेज लग जाता है। फिर उसने ग्लूअल लगा के रस कर दिया मेरे पे, तो यहाँ पर उसको मैंने क्रोनो जला के उड़ा दिया MP40 से। मतलब थोड़ा सा डैमेज दिया, लेकिन वो उससे ज़्यादा मैंने डैमेज दे दिया था उसको, फिर भी मैंने रस नहीं किया, लेकिन वो बंदा मेरे ऊपर रस कर दिया। तो ऐसे ही होता है, रस जल्दी नहीं करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए। और इसमें मेरे को 36 प्लस मिल गए थे।